हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो ये रहेगा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया है कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेथड्स हैं, आप 5 क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया यहाँ पे है साइड साइड साइड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये 5 क्राइटेरिया हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है PQR। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे AB का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और BC का लेंथ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एंड AC का लेंथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा एक ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे PQ आपका है 5 सेंटीमीटर, QR है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और PR है आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये तीनों की साइड, ये 3 साइड और ये 3 साइड दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हम यहाँ पे PQR लिख सकते हैं। ठीक है, और रूल यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे तब आपको ये ब्रैकेट बना के ये रूल लिखना है साइड में। ठीक है, किस रूल की हेल्प से आप कॉन्ग्रुएंस लिख रहे हो, तो यहाँ पे हमने तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR और जो भी रूल है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, इफ़ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड रूल हम यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड रूल होगा हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्राइंगल आप देख रहे हो यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ये ट्रायंगल XYZ। हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से यहाँ पे इक्वल है, मतलब एंगल B के पास जो एंगल बन रहा है वो और एंगल Y के पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल, ये दोनों इक्वल हैं और ये जो BC साइड है और यहाँ पे जो YZ साइड है ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आप इक्वल बताने के लिए ये सारे सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लाइन किए तो यहाँ पे भी मैंने 2 लाइन किए, इसका मीनिंग ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, साइड एंगल साइड रूल में जो एंगल है वो एंगल इज़ इंक्लूडेड बिटवीन साइड। ठीक है, मतलब दो साइड के बीच में ही वो एंगल आना चाहिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते आप ये दो साइड इक्वल बोल रहे हो और अगर आप फिर ये एंगल इक्वल बता रहे हो तो साइड साइड एंगल ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर आपके पास एंगल यहाँ पे बीच में इक्वल आ रहे हैं तभी ये रूल वैलिड होगा। ठीक है, साइड एंगल साइड और जो एंगल है वो क्या है, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ और ये हमने ब्रैकेट में यहाँ पर रूल लिख दिया बाय साइड एंगल साइड। तो ये सेकेंड रूल यहाँ पर हमने देख लिया, सेकेंड क्राइटेरिया बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए। थर्ड जो क्राइटेरिया आपका है वो है एंगल साइड एंगल। ठीक है, इस वाले क्राइटेरिया में क्या था, एंगल दो साइड के बीच में आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप नाम में ही देख रहे हो एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो साइड है वो कंपलसरी दो एंगल के बीच में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल से, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइंगल PQR और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे है MNO। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इस साइड को इक्वल है।
ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल इस ट्राइंगल का, एंगल साइड एंगल इस ट्राइंगल के अगर इक्वल हो रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हर बार आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉन्ग्रुएंसी लिखने के बाद जो भी रूल की हेल्प से आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड ब्रैकेट में लिखनी है कंपलसरी। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड रूल यहाँ पर हमने देख लिया। फोर्थ रूल है हमारा यहाँ पर एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल आप देख रहे हो, ट्राइंगल पी क्यू आर, और सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में ये पी के पास एक एंगल बन रहा है वो, क्यू के पास एक एंगल बन रहा है वो, और हमने एक साइड यहाँ पे लिया हुआ है क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्राइटेरिया समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, पी के पास एंगल 30 डिग्री 70 डिग्री और ये साइड हमने 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ट्राइंगल पी क्यू आर में ये चीज़ें हो रही है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में भी हम यहाँ पर 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है वाई जेड वो इसको इक्वल होगा, ये एंगल एक्स एंगल पी को इक्वल होगा और एंगल वाई एंगल क्यू को इक्वल होगा। ठीक है ना, तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड दोनों ट्राइंगल में दोनों चीज़ें राइट हो रही है, तो हम ऐसा लिख पाएंगे यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, कौन सा रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ये फोर्थ क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सारे क्राइटेरिया हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चन करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्राइटेरिया यहाँ पे है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ओके, एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एम एन ओ, दूसरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्राइटेरिया समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, हाइपोटेनस हमने 13 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमने ये 13 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, एक साइड हम ले रहे हैं यहाँ पे ON 7 सेंटीमीटर और उसी तरह यहाँ पे BC एक साइड ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल O राइट एंगल है और इस ट्राइंगल में एंगल B हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, ट्राइंगल का नाम देखो आप, ट्राइंगल ओ एन एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए। ठीक है, हमने यही नाम क्यों लिखा, आप देखो ओ के पास राइट एंगल बन रहा है और बी के पास राइट एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ और बी है, मैंने साथ में लिख लिया, ओ एन 7 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ओ एन और ये BC, मतलब क्राइटेरिया सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ON और BC सही लिखा है हमने यहाँ पे। लास्ट में एक हाइपोटेनस का क्राइटेरिया आप देखो MN और ये AC। ठीक है, तो यही होना चाहिए यहाँ पे भी, ये MN आप ऐसा भी बोल सकते हो और ये AC। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे सही हो रहा है। अगर आपको ट्राइंगल OMN लिखना है, ठीक है, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लेफ्ट हैंड साइड चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखो नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी नाम आ रहा है और आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल में ये ओ एन और बी सी इक्वल है 7 सेंटीमीटर और एम एन और ए सी हाइपोटेनस दोनों में 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का, आर एच एस राइट एंगल, इसमें आर क्या स्टैंड करता है राइट एंगल के लिए, एच किस लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए, और यहाँ पे जो साइड लिखा हुआ है वो कोई भी एक अदर साइड आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी के जो 5 क्राइटेरिया हमने यहाँ पे ख़त्म किए हैं और ये वीडियो पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।